हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। तो भाई अभी बाल्टी में पानी भर रहा है, उसके बाद नहा के अभी मैं और सिब्बू जा रहे हैं दिल्ली दर्शन पे। रेडी है तू? तू तो नहा ली थी खैर पहले ही। है कब नहाई थी मैं? तू सुबह नहाई नहीं थी? उठते ही कितने बजे रहते? छह बजे नहाई थी। हाँ याद ही नहीं रहता। तो सिब्बू तो भाई तैयार है ना धो के। और गाइज एक बार मैं अभी बस नहा लेता, तैयार होता हूँ, फिर हम लोग निकलेंगे दिल्ली दर्शन पे। तो गाइज मैंने भाई बनाना शेक बना लिया और थोड़ा सा इसमें चॉकलेट फ्लेवर डाला है, तो अभी ये सारा खत्म करता हूँ, फिर नहा के निकलते हैं दिल्ली के लिए। तो दोस्तों अभी भाई हमारे तीनों के तीनों एसी कूलिंग करना बंद कर चुके हैं, तो अभी सर्विस कर रहा हूँ मैं खुद से ही, क्योंकि पैनासोनिक वाले तो आ ही नहीं रहे। इतनी बार बोल चुका हूँ कोई आता ही नहीं है। अभी अंदर वाले की तो कर दी मैंने क्लीनिंग, वो सही चल रहा है। सिब्बू कूलिंग कर रहा है वो? हाँ। तो अभी सिब्बू ने फिल्टर धो दिए और अभी मैं अंदर से जाली साफ कर रहा हूँ। अरे टेक्निक मैंने सीखी थी घर पे, मेरे पापा करते थे ऐसे। ये पकड़ लियो, गिर ना जाऊं मैं। यार गिर भी सकता हूँ मैं, ब्लॉग जरूरी है। अगर मैं गिर गया ना सिब्बू तो फिर ज्यादा कूड़ा फैलेगा। गीला कपड़ा चाहिए, एक गीला कपड़ा। गाइज हमने ये पैनासोनिक के एसी मंगाए थे, तो भाई हमें लगा कि सही होंगे, एसी तो इतने खास निकले नहीं। चलो कोई बात नहीं, कम से कम कस्टमर सर्विस तो अच्छी दे दो। इतनी बार हम फोन करते हैं कस्टमर केयर पे, कोई रिस्पांस नहीं, मतलब कोई परवाह नहीं यार कस्टमरों की। देख लो खुद ही हमें करना पड़ रहा है। तो भाई बकवास निकला ये कस्टमर केयर और पैनासोनिक का प्रोडक्ट भी बकवास निकला। तो भाई टैग मारो पैनासोनिक को और धजिया उड़ाओ इसकी। यार हम इतने परेशान हो रखे, हमने तीन एसी लगवा रखे और गर्मी में सड़ते रहते हैं पूरा दिन फिर भी। काम वाली आई कह रही दीदी आपका घर तो ठंडा ही नहीं है। हां तो यार पहले तो ठंडा रहता था, अभी तो ठंडा नहीं है, गर्मी में झाड़ू पोछा नहीं किया जाता। हाँ तो तेरे लिए एसी लगवाओ है अलग से, यहाँ हम गर्मी में सड़ते रहते हैं। ये देना कपड़ा, गीला कपड़ा। गाइस आज मैंने रजित का लोवर पहना है और लोवर बार बार नीचे गिर रहा है, तो मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। तो बहुत ढीला है वो, तेरे फालतू में पहन के बैठी। अच्छा लग रहा था इसका प्रिंट इसलिए पहन लिया। गाइस इधर ये कर रहा है और ये वाला, ये इसने अभी सर्विस कर दिया, अभी ये रूम चिल्ड हो चुका है, वरना तो भाई बहुत गर्मी में बुरा हाल था। और ये भाई इंस्टा देख रहा है, यहाँ इतनी गर्मी है, काम चल रहा है लेकिन फिर भी इसको यहीं बैठना है, जहाँ लोग होते हैं वहीं जाके बैठता है। एसी वाले कमरे में बैठ जा। हाँ क्या पैनासोनिक वालों को तो मतलब मैंने बहुत वो बोला ब्लॉग में भी। हाँ। कि भाई बिल्कुल मतलब इनके प्रोडक्ट भी बकवास है। हाँ। खासकर एसी और तो मुझे पता नहीं, और कस्टमर सर्विस तो बहुत बकवास है। तो दोस्तों भाई आप लोग इनको टैग कर करके बोलो कि यार क्या कर रहे हो, बकवास कर रहे हो यार तुम, कस्टमर के जज्बातों के साथ खेल रहे हो। गाइस मैं बताऊं, लास्ट टाइम भी विनय ने ही सर्विस की थी, वो तब भी नहीं आए थे। वो वाली तो बता तो रहा हूँ, आते ही नहीं है। हाँ। मैं फोन करता रहता हूँ, कंप्लेंट पे कंप्लेंट डालता रहता हूँ, कोई सुनवाई नहीं करता यार। तो भाई अभी तक मैं नहाया नहीं हूँ क्योंकि यार ये एसी वेसी का झंझट हो गया था। पहले मोटर भी खराब हो गई थी, मोटर वाला बुलाया, वो मोटर सही करवाई। अभी तीनों एसीओ की खुद से मैंने सर्विसिंग की है, क्योंकि पैनासोनिक वाले तो कोई ध्यान दे नहीं रहे। शेम ऑन यू पैनासोनिक, इतना बड़ा नेम और ब्रांड होने के बावजूद मतलब कस्टमर्स की कोई परवाह नहीं है। वो तो चलो मैं अपनी प्रॉब्लम को आप लोगों तक पहुंचा पा रहा हूं, जो लोग मतलब नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल पब्लिक तो कुछ कर ही नहीं पाती होगी, वो तो भाई ठीक है हमने एसी लिया था खराब हो गया, अब क्या करें, क्या करें भाई अब लोग हैं। बताओ यार इनको पैनासोनिक वालों को यार क्या होती है पब्लिक की, मतलब पब्लिक की पावर क्या होती है यार, बताओ इनको। तो चलो यार छोड़ो, मेरे तो मूड खराब कर रखा है, पैनासोनिक जब से लिया है ना जब से पछता रहा हूँ भाई मैं। तो अभी चलो यार ठीक है, अभी नहा लेता हूँ और फिर निकलते हैं यार दिल्ली के लिए। टाइम से निकलना था, सारे दिन की ऐसी तैसी होगी एसी के चक्कर में। तो गाइस मैं हो गया हूँ तैयार नहा धोके और भाई ये वाली टी शर्ट डाली है जो दिखाई थी आपको ब्लॉग में, नई वाली, बता दो कैसी लग रही है ये। और भाई ये वाली चप्पल डाली है जो रेड टेप की लाया था ना, ये थोड़ी सी वैसी है कि भाई बाहर आउटिंग पे जाओ तो डाल लो, और एक सिंपल वाली लाया था तो ये वाली डाली आज। तो भाई चलो अभी निकलते हैं, लेट तो बहुत हो गए हैं, पूरा दिल्ली दर्शन तो हो नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी हमने डिसाइड किया है कि अभी चांदनी चौक तो एटलीस्ट घूम के आएंगे। तो चलो भाई चांदनी चौक चलते हैं, मैं और सिब्बू जाएंगे, सिब्बू और ये तैयार। तो चलो भाई निकलते हैं। और भाई बिना अभी तक आया नहीं है तो मुझे तो टियागो लेके जानी पड़ेगी, जब बिना आएगा तभी एक्सयूवी के दर्शन होंगे, इतने तो भाई अपनी टाटा टियागो से काम चलाएंगे यार। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं, सिब्बू भी तैयार है। तेरी चप्पल तितली चप्पल, तुमने जूते तो दिलाए नहीं इसलिए मैंने चप्पल ही पहना। ओ तेरी की। तो चलो भाई निकलते हैं। अरे हाय गेट खोल लो, बहुत ज्यादा गर्मी से। वो गेट खोल दे यार, जल्दी खोलो यार, मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, गेट खोल दे। मुझे आती है यार, कितनी बुरी है यार। ओह भाई जल गए, जल गए।
बहुत बुरी है सिब्बू, तू बहुत बुरी। बैठ ले अब। स्टार्ट करो पहले एसी चलाओ। क्या कह रही है? स्टार्ट करो एसी चलाओ पहले। तब बैठेगी? हाँ। भाई देख लो, मतलब मैं तो ऐसी गर्मी में बैठ जाऊं और इसके लिए पहले गाड़ी को ठंडी करनी पड़ेगी। तो गाइस अभी मैं घर आ गया था और भाई चांदनी चौक में ब्लॉग वगैरह कुछ बन नहीं पाया क्योंकि एक तो मेरा फोन हो गया था स्विच ऑफ और सिब्बू के फोन में भी थोड़ी बहुत बैटरी थी, तो हमें घर भी आना था मैप वैप लगा के, और भाई फोन ऑन भी होना चाहिए कहीं कॉल वॉल करना पड़ जाए, तो इसलिए कुछ व्लॉगिंग हो नहीं पाई। मैंने तो अभी यहाँ पे आके फोन चार्ज किया है। और अभी गाइज मैं सांप खरीद के लाया था, तो अभी चीनू के ऊपर सांप का प्रैंक करूंगा, उसके ऊपर सांप फेंकूंगा। अभी यहीं बैठी हुई है वो, देखो ये रही भाई चीनू, सब ये रहे। चलो अभी गाड़ी से सामान लेके आता हूँ, और चीनू को सामान दे देते हैं। और गाइज बाकी चांदनी चौक में क्या होता है, व्लॉग बनाने का मन कम करता है क्योंकि वहाँ ना फोन वोन छीन के भाग जाते हैं यार, चोरू चक्को का एरिया ना बहुत ज्यादा, वहाँ पे ये स्नैचिंग की वारदात होती है, तो एक वो भी रीजन था, बट फोन भी स्विच ऑफ था। तो चलो अभी प्रैंक करते हैं। क्या, कौन सा प्रैंक है? अभी वो कैमरा लेकर आ रहा है तो फिर हम एक शूट करेंगे, चैलेंज शूट करेंगे अभी यहीं पे। वो हाँ, फिर घर जाएंगे, नींद आ जाएगी, इंस्टा परेशान करता रहता है। तो इंस्टा आ गया घर? इंस्टा पर कल लेकर ही तो आए हैं। गुड़गांव लाए हो पहले? अभी वो वहाँ है। कहाँ? अभी गुड़गांव में ही है, मिक्की ख्याल रख रहा है उसका। मैंने कहा चलो यहाँ पे कर लेंगे हम शूट। चीनू देखो कितनी सुंदर होती जा रही है डे बाय डे ऊपर करने। चीनू जब से जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है वैसे वैसे सुंदर होती जा रही है। क्या लगाती है चीनू? चुप चुप के कुछ लगाती होगी पक्का है? कुछ नहीं लगा। बता, डाइट तो करती है, इतना तो पता है मुझे। मैं डाइटिंग करती हूँ, व्लॉग में सब ऐसे बोलते चीनू कितना खाती है। मेरे को भी तो बोलते हैं मैं कितना खाती हूँ। सब यूं बोलते हैं भूखड़ है। मेरे को भी यही बोलते हैं भूखड़ है। ये रचित ने बदनाम कर रखा है मुझे। ऐसे हो जाता है ना कि जैसे कुछ बात हो तो चीना कहेगी मुझे ये खाना मुझे वो खाना, उस वजह से बोलते हैं इसको। खाना इसको कुछ नहीं है, खानी में दो रोटी, अब तो ये दो कर रखी इसने। दो क्या कर रखे? मैं शुरू से दो खाती हूँ, पहले तीन या चार खा लेती थी, अब दो ही खाती हूँ। चीनू सारे दिन फोन में लगी रहती है, आप इसको कुछ कहते नहीं हो? बहुत कहती हूँ मैं इसको, मेरे को सुला देती है नशे के, वो खिला गए मेरे उसमें कुछ बोल के, इसके पानी देते ही नींद आएगी, ये पक्का उसमें कुछ बोलती है और मैं सो जाऊंगी और पूरा दिन फोन में लगी रहेगी। मैं इनको देती हूँ आपको सारे जहर जूस। जहर थोड़ी होता उसमें, नशे का बोला मैंने, जहर तो जहर से तो मर जाएंगे, नशे की कोई चीज की मम्मी को नींद आ जाए, सही बोल रही हूँ ना? नहीं। चीनू क्या करती रहती है? गाइस देखो चीनू क्या करती रहती है फोन में, देखो ये पता नहीं कौन सा गेम डाउनलोड कर रखा है, बस यही खेलती रहेगी सारा दिन, पूरा दिन ये खेलती रहेगी और कानों में वो लगा लेगी और पता नहीं गाने सुनती रहेगी। इसको बोलते रहो, फिर इसके पास जाके इसको बोलो। हाँ। तेरे लिए गिफ्ट लाया था। क्या? या गिफ्ट के लिए? ओए देख रचित ने गाय नहीं भाई ये बताया नकली है। नकली है, दूर रखा। नहीं नहीं, चीनू के साथ देखो, प्रैंक हो गया मम्मी के साथ। चीनू तो थोड़ी बहुत डरी है। ओ मैं उस दिन से उन्हें छिपकली दिखाई क्योंकि कितनी देर तक तो नहीं आई। मैं नहीं डरती, ये देख नहीं डर रही, स्टार्टिंग में तो डर गई थी उस पर दर्द दी नहीं डरी इसको, इसको ना सुनाई दे क्या इसको पता लग गया? नहीं मैं आ रही थी ना तो मुझे सुनाई दिया कि अब नहीं डर रही, स्टार्टिंग में तो डर गई, पहले इसकी आवाज आई मुझे पता क्या लगा, पता नहीं कहाँ से गला पकड़ के फेंक दिया और ऐसे ऐसे और सुना लगे। हाँ तू मेरे लिए ये लाया चेन्नई से आराम से चिपक गई। अच्छा रबड़ बड़े खिंची हाँ करके दिखा दे, करके दिखा, मेरे तो बाल खिंच जाएंगे। अच्छा ये टूट जाएगा जी? नहीं आपको टूट जाएगा ना, छोड़ करके दिखा, करके दिखा, हटा घड़ी से ही होगी। नकली है, रबड़ है। नकली का बिल्कुल रू
रोदड़ी। ओह क्या बोले चीनू रोदड़ी। मैं नहीं डरती राम को, ये देख रहा सच में वो हो जाए आदमी। सांप से नहीं डरता मैं अब। अच्छा और मैंने जब से गले में वो फेक सांप डलवाया वो उनके जहर निकाल लिए जाते हैं दांतों में से पहली बात। तो डर खुलता है अब सीधा क्या कोबरा फन वाला डाल लूं जो यहाँ काट दे। उसी से तो डर खुलता है नहीं तो छिपकली ना काटा है पकड़ ले जा। छिपकली काटती है? नहीं काटती। काटती है छिपकली या छिपकली काटती है? छिपकली वैसे काटती है हाथ पे दे भरा था या हमारे पड़ोस में ही रहती है उसको काटा है ये छिपकली ने काटा है। ले चीनू सांप से डर गई। मैंने हेल्दी मंगाई भैया मम्मी डर रही है मम्मी के साथ करो। तूने चेन्नई से मंगवाया था ना कुछ? मैंने हेयर क्लिप मंगाई थी अच्छे अच्छे चेन्नई में ना। चेन्नई में ना बीच के पास बहुत अच्छी हेयर क्लिप मिलती है। वहाँ का बीच अभी अच्छा नहीं था बकवास बीच था पर मैंने तो देखा था गूगल पे बात। गूगल पे अच्छा देख गूगल पे तो ऐसे दिखा रखा था। तो तेरी हेयर बैंड बना तो दिया साहब का? अब इसको पहन के शादी में जाऊंगी। कोई तेरे आस पास नहीं भटकेगा। अकेले डांस करना है। गेम खेल रही होगी? हाँ गेम खेलती रहती है सारा दिन बस। ए हाँ बावली सुनती भी नहीं है बोलती भी नहीं। हाँ हटा इसे खेलने दे अनइंस्टॉल कर इसे। फिर इंस्टॉल कर लेगी आईडी लिंक। अरे मैंने अपना गूगल फेसबुक से नहीं गूगल से लिंक कर ली। के जैसे तू ये बबल फोड़ रही है ना तेरी आँख फूटेंगे ऐसे एक दिन। ये रोज बोलती है उसको नहीं आती समझ डेली पूरी रात 3-3 बजे सोती है ये गेम के चक्कर में। फोन जब्त कर लो इसका। अरे भाई क्या है खटके वाला फोन ले ले ऐसे नहीं बटन वाला साफ वाला खेल लिए। मेरे बर्थडे पे मिलेगा मेरे को 14 Pro Max। आप तो तेरे पेपर वेपर भी नहीं है आप क्यों करती है तू फोन का इतना इस्तेमाल? ऐसे मेरे बर्थडे पे मुझे 14 प्रो मैक्स मिलेगा ना। हाँ 14 चप्पल मिलेगी वो भी प्रो मैक्स बता लेगी। नहीं फोन लूंगी नया। हाँ जरूर मिलेगा अभी मिलेगा तुझे 14 प्रो मैक्स मिलेगा आईपैड भी मिलेगा मैकबुक भी मिलेगी। मैकबुक प्रो चाहिए पर। हाँ ठीक है 1 TB में मिलेगी? नहीं मैकबुक 1 TB में नहीं आईफोन 1 TB में। अच्छा और कुछ गाड़ी कुछ एयरप्लेन एयरपोर्ट्स हेलीकॉप्टर वेलीकॉप्टर गाड़ी वाड़ी कुछ DTC लाऊं? नहीं मेरे फेवरेट का है रोल्स रॉयल्स में चाहिए मेरे को। अच्छा एग रोल खा ले रोल्स रॉयल्स क्या क्या करेगी? नहीं एग रोल मैं नहीं खाती एग। और मेरे को तेरे कुछ नहीं मिला तेरे जूते पड़ेंगे। घूमने कहाँ जाना था जो मेरे सामने बोल रही थी घूमने इसलिए इसमें जाना था ऐसे राफ्टिंग करने। है? राफ्टिंग तो बंद लेकिन कब की मुझे बैज आ गिरी इसी केस में। मुझे मालदीव जाना है। पासपोर्ट बन रहा है? पासपोर्ट तो है नहीं इसका सबका पासपोर्ट है। पासपोर्ट से चली जाएगी तेरे से मेरे से कैसे चली जाएगी? सबका पासपोर्ट है ना बस मेरा नहीं है ना रोड भेज दे मेरा नहीं है ना बस पासपोर्ट सबका बना हुआ है। तो तेरा क्यों नहीं बना? मेरा इसलिए नहीं बना क्योंकि बहुत दिक्कत आ रही थी बनने में। अब मेरा जब 10th का रिजल्ट आ जाएगा ना तब बनेगा तो मार्कशीट से इजीली बन जाएगा। बन जाएगा फिर तेरे बिना लेके जाना हम तेना और फिर मैं रोने नहीं लग जाऊंगी इसलिए तो मालदीव्स में रोना अलाउड नहीं है ना। काम बंद कर लेते हैं रेस्ट कर लेते हैं रोने वालों को। और उड़े तो कैसे रुका तो जाएगा नहीं बिना रोए तू पक्का रोएगी वहाँ? नहीं रोऊंगी अगर मेरे को मेरी सारी जो मैं बोलूंगी वो चीजें दिलाओगे तो। अच्छा अच्छा है ना मम्मा सही बात है घूमने वहाँ जाना है लेकिन तेरे ऊपर ध्यान रखना है कि तू रोए ना। मतलब यहाँ तो सपनों की दुनिया में जी आ रही है तू है? और मैं बोलूंगी वो दिला दो तो नहीं फेरी टेल्स में जी रही है तो तेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। हाँ? तो जी ना फिर फेरी टेल्स में जी फेरी टेल्स में जी रही हूँ घर पे रहती हूँ डेली बोर होती हूँ घूमने भी नहीं जाती। तू मेरे से इतना मोटा है ये सही बोला तुमने देखियो मैं मोटा नहीं हूँ तू सुखी हो रहा है। तो चलो भाई मैं जा रहा हूँ गुड़गांव बाय। ये सांप तो उठा ले नकली का अभी भी डर लग रहा है इतना नकली होने के बाद। मेरे मम्मी के ऊपर
साफ है तो मम्मी ने मेरे मारे। सही किया। ये शिकायत करने गई है कि भैया मतलब तो क्या सोच रही हो मेरे को डांटेगा? नहीं वो आपको नहीं डांटे, वो आपको क्यों डांटेगा? तो? मैं तो बता रही हूँ कि मम्मी डर रही है, मैंने मम्मी पे साफ है का मम्मी ने मारे। सही हुआ। चलो बाय बाय। तो दोस्तों पहुंच गए हैं अपने गुड़गांव वाले घर और सिब्बो भी गेट खोलेगी। मैं हूं। आ गया इंस्टा दुश्मनों का दुश्मन, दुश्मनों का दुश्मन यारों का यार इंस्टाग्राम। दुश्मन का दुश्मन हूं मैं और दोस्तों का दोस्त हूं मैं हूं इंस्टाग्राम, मैं हूं इंस्टाग्राम। शिवम तेरे लिए गिफ्ट था। इंस्टा ने सांप का कत्ल किया। लाई दर दे, डर गया एक बार तो तू इंस्टा को मत दियो खा जाएगा। डर गया था तू, तेरा एक्सप्रेशन मैंने नोट कर लिया। आई पंजे मार दिए कुत्ते, एक हाथ में सांप है एक हाथ में फोन है, कैसे कैसे दर्द अपना सही करूं? जा वहां जा, वहां चला जा, वहां कर ले। सांप है काट लेगा, डस लेगा तुझे, काट लेगा सांप, काट लेगा इंस्टा तुझे सांप। भाग जा यहां से, चल नहीं दे रहा मैं, नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, नहीं दे रहा। डर गया ये, डर गया तुमने, उसको लगा तुम डांट रहे हो।